सपना देखोगे एक, मुसीबतें हजार आएंगी, वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ, आज वही दिन है जब कामयाबी शोर मचा रही है। कल सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आया है और आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट को इनवाइट करूंगा जिन्होंने बोर्ड में 94.2% मार्क्स लाया है। शानदार मार्क्स है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं आज। वेल, सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूं, सिद्धार्थ शंकर, प्लीज आप आइए यहां पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और हम लोग आज इनसे सीखने की कोशिश करेंगे, इनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्होंने कैसे 94.2% मार्क्स लाया है। एक बहुत ही शानदार मार्क्स है, जूनियर को बहुत बेनिफिट होगा और मैं सारे जूनियर जितने भी अभी ऑनगोइंग जो क्लास 12th में है, मैं तो स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि इनके एक्सपीरियंस से आप लोग सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जहां तक मुझे पता है कि इनके पापा एक स्मॉल बिजनेसमैन है जिनका शादी कार्ड का एक छोटा सा दुकान है और ये स्टूडेंट सिद्धार्थ मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, क्लास 9, 10, 11, 12 इन्होंने यहीं से किया है और अभी तक इन चार सालों में जहां तक मुझे पता है कि शायद मैं इनके पापा से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, कि जब भी आए हैं तो इनके अंकल आए हैं मिस्टर संजय त्यागी जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव भी है, विधायक प्रतिनिधि, सोशल एक्टिविस्ट है, उनका सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपैक्ट है, हमेशा सेवा भाव से जुड़े रहते हैं और मेरे इंस्टीट्यूट में भी अभी तक जो मैं देखा हूं इनके पापा से तो मेरे को लगता है एक बार भी मुलाकात शायद नहीं हुई है, जब भी आए हैं तो इनके अंकल ही आए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए कि किस तरह का सपोर्ट आपको आपके फैमिली बैकग्राउंड से मिला है, ताकि जो दूसरे मेडियोकर फैमिली वाले हैं जिनको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, प्लीज थोड़ा बताइए हमें। सर, वैसे बिलोंग तो मिडिल क्लास फैमिली से ही करते हैं, पापा का सपोर्ट रहा, अंकल का भी सपोर्ट रहा, ज्यादा सपोर्ट तो मेरे अंकल का ही रहा था। तो बस एक घर होता है, मतलब घर में हमेशा से इंस्पिरेशन मिला, हमेशा पढ़ने को लेकर, कभी ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई छोड़कर कोई और काम करो। अच्छा। हाँ, मतलब किसी भी वक्त अगर हम चाहे तो, मतलब एक होता है घर का काम छोड़ दो तुम, मतलब डिस्टर्बेंस कोई नहीं किया आज तक। वाह, ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। मैं सारे फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चे को एक मोरल सपोर्ट जरूर दीजिए। जैसे सिद्धार्थ ने कहा, पापा का और अंकल का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इनका। वेल, अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं करूंगा, सिद्धार्थ हमें जवाब देगा और इनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि स्कूल इंस्टीट्यूट के अलावा आप घर पे सेल्फ स्टडी कैसे करते थे, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो प्लीज थोड़ा सा आप बताइए, हमारे जूनियर को सब चाहते हैं जानना आपसे। तो जनरली होता क्या है कि स्कूल आने के बाद सब थके हुए होते हैं, तो स्कूल के बाद तो पढ़ाई हो नहीं पाती है, लेकिन ट्यूशन से जैसे घर पहुंचते हैं सबसे पहला मोटिव तो यही रहता है कि जो ट्यूशन में पढ़ाई हुआ सबसे पहले उसी को रिवाइज करें, उस पर जो भी प्रॉब्लम्स है, उस पर जो भी क्वेश्चन है वो सब देखें। ऐसा नहीं कि साल का शुरुआत है तो हम सिर्फ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मतलब शुरू से ही जब ट्यूशन आओ, ट्यूशन से घर आओ, तो जो भी पढ़ाई हुआ तो वही बुक्स लो, वही टॉपिक पढ़ो, जो भी क्वेश्चन है वो सब टैकल करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो टीचर्स तो बोलते हैं डाउट पूछो, लेकिन बच्चों को हिम्मत होती नहीं कि साल के शुरुआत में ऐसे बोलेंगे, मतलब पूछ नहीं सकते, इसलिए वो सब होता है शुरू से हाईलाइट करके रखते हैं इसलिए। ओके, तो मैं चाहता हूं कि घर पर इन दोनों के अलावा कितना घंटा पढ़ते थे खुद से? सर, खुद से मतलब बोले तो जितना घंटा, मतलब अगर हमको शांत से मिल जाए, एक होता घर में हमेशा डिस्टर्बेंस होता ही है, मतलब एक मतलब जनरली तो होता कि घर शांति रहता तो खाना खाने के बाद हम रात के टाइम पढ़ते थे, जब तक नींद नहीं आता था तब तक। कितने बजे तक रात में जनरली एवरेज? इन केस अगर हमको टॉपिक समझ आता था तो नींद तो आते ही नहीं थे, तो जब तक टॉपिक हम समझते जा रहे हैं हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, उस रिदम को हम ब्रेक करना नहीं चाहते थे। और अगर मान लीजिए नहीं समझ आ रहा, दो बार कोशिश किए, तीन बार किए, फिर भी नहीं हो रहा, तो लास्ट में हम रख के सो ही जाते। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ एज एन एवरेज कि लगभग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के लिए यही तीन इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली, वैसे पढ़ना बाकी दो सब्जेक्ट भी है लेकिन ज्यादा ध्यान इसी पर देते हैं, तो आप मुझे बताओ
कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में क्या इक्वल टाइम देते थे कि कुछ रेशियो अलग रहता था या कितना घंटा देते थे, कुछ है ऐसा आपका? हाँ, सबका जो पकड़ होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पे अलग अलग होता है। किसी को फिजिक्स समझ जल्दी आ सकता है, किसी को नहीं भी आ सकता, किसी को मैथ्स जल्दी आता होगा। तो जनरली जो ज़्यादा समझ आता है तो उसको तो तुरंत निपटा दो, और एक जो होता है जो वीक पॉइंट होता है हमेशा, तो उस पर हमेशा काम करना होता है। उसको हम डिटेल में पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, इतना पढ़े कि जितना पढ़े वो समझ आए। तो ये तीनों सब्जेक्ट में आपका कौन सा बेस्ट पार्ट था? मेरा तो मैथ्स रहा, शुरू से ही अच्छा रहा। अच्छा, शुरू से आपका मैथ्स रहा, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। ट्यूशन से आए, बुक खोले और सारा सम बनाना शुरू, बस इसके अलावा तो कुछ सोचा ही नहीं मैथ्स में और एक्स्ट्रा करने का। चलिए, बहुत अच्छा। वेल, ये भी हम जानना चाहते हैं कि देखिए, आपके सक्सेस में सभी का कुछ ना कुछ सहयोग रहता है, ठीक है? तो मैं जानना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट आप मुझसे ही पढ़े, मैं ही मैथ्स पढ़ाया हूं, तो मेरे से आपको क्या बेनिफिट हुआ है? फिर मैं जानना चाहूंगा स्कूल में आप पढ़ते थे, स्कूल ने आपको क्या सपोर्ट किया है, जैसे फैमिली वालों ने आपको सपोर्ट किया, मेरे से क्या सपोर्ट आपको मिला, और एक या कह सकते हो इंस्टीट्यूट में होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या सपोर्ट करेंगे, स्कूल में क्या सपोर्ट मिला, वो हम लोग जानना चाहते हैं। तो पहले बताइए, यहां से आपको क्या सपोर्ट मिला? अगर कहीं भी सपोर्ट का बात आता है तो सबसे बड़ा बात होता है कनेक्शन। टीचर स्टूडेंट के बीच कनेक्शन अच्छा होता है तो जनरली उसका सारा बात समझ आता ही है, फिर डाउट पूछने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो जनरली यहाँ तो वही हुआ, आपसे जो एक होता है कनेक्शन, हमेशा कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो कभी नहीं हुआ। पढ़ाई और बात समझ आता था तुरंत, डाउट पूछने में भी कोई दिक्कत नहीं होता था। और यहाँ प्लस कि जितने देर पढ़ सकते हो पढ़ो, एक्स्ट्रा टाइम भी आप दिए ही थे कि आप क्लासेस के बाद भी चाहो तो स्टे करके आप पढ़ सकते हो। और स्कूल का बात रहा तो बहुत कोई स्कूल नहीं भी जाता है, स्कूल बेसिकली कंपटीशन प्रोवाइड करता है पूरे क्लास में, जो कि एक होता है रेगुलर एग्जाम्स के थ्रू आपको पता रहता है कि आपको कितना पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, अगर कोई ज़्यादा मार्क्स आ रहा है कम मार्क्स आ रहा है तो उसे कम्पीट कैसे करना है। तो एक स्कूल का यही बेनिफिट होता है कि आप जो प्रैक्टिस में बने रहते हो। बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मान लीजिए मैंने मैथ्स पढ़ाया तो मैं खुद भी अपने इंप्रूवमेंट पे दिमाग लगाता हूं, क्या जो मैं नोट्स पढ़ाता था उससे क्या एग्जाम में कुछ मदद मिली आपको? ये मेरे इंप्रूवमेंट के लिए भी है, मैं भी जानना चाहता हूं क्या सच में बच्चों को सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, खुल के बताइए, जो ऑनेस्टली वो आपको बताना है। हाँ, तो जनरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते थे वो तो सर के नोट्स में मिल ही जाते थे। जनरली जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन है सर वही करवाते थे, प्लस एनसीईआरटी। एक तो सर होता क्या था कि अगर हम कॉपी पूरा रिवाइज कर लें, क्योंकि एक होता है हाथ का लिखा हुआ ज्यादा समझ आता, तो अपना हैंडराइटिंग था, मतलब एक बार पढ़ दो तो पता चला था कि हम कैसे कैसे स्टेप वाइज गए हैं। और एक बार सर का कॉपी रिवाइज कर दो तो फिर तो मतलब मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते थे एनसीईआरटी में और सीबीएसई में आए हुए तो वो सब कवर हो ही जाते थे। फिर उसके बाद आता था कि हम साइड में और कोई बुक बनाते हैं। वेल, ठीक है, अब हम लोग बुक पर आते हैं। वेल, जूनियर लोग जानना चाहता है कि आप कौन कौन बुक से पढ़े हैं, ठीक है? तो प्लीज वो पहले हमें बताइए कि कौन कौन बुक आप स्टडी करते थे जनरली? मैथ्स के लिए तो हमेशा से आदि शर्मा ही रहा, सरकारी प्रेफरेंस आदि शर्मा ही रहा है, क्वेश्चन भी सर उन्हीं से कराते हैं, तो एक शुरू से एक कनेक्शन बन गया था कि हाँ जब भी बुक खोलना तो ये सब क्वेश्चन पहले लिए फैमिलियर है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम मैथ्स के लिए शुरू से आदि शर्मा ही बनाया है, और उसका सारा क्वेश्चन बनाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि स्कूल में भी मतलब बाकी सब्जेक्ट भी देखना होता, इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी सीबीएसई हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी हमेशा से कोशिश करते थे कि सबसे पहले इतना कर ले, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता था तो आगे हम सॉल्व करते थे। अच्छा, आपने एनसीईआरटी बुक भी खत्म किया था? हाँ, सबसे पहला बेस तो वही रहा था कि क्या इसका क्वेश्चंस बन रहा है सारा, तभी हम दूसरे बुक में जाएं, अगर इससे हम कहीं फंस रहे तो हम दूसरे बुक में जाने से पहले वो सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। मतलब इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी बुक पहले बढ़िया से खत्म कर लिया, उसके बाद आरडी शर्मा में जितने टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कहने का मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे वो सारा का सारा इन्होंने क्वेश्चन कर दिया। मतलब क्या है कि इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी इन्होंने पढ़ के गया था। वेल, तो ये तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि कौन कौन सा बुक आप लोग पढ़े हैं, ठीक है? और एक चीज अभी हम लोग और भी जानना आपसे चाहते हैं कि छुट्टी के टाइम को कैसे आप मैनेज करते थे। मान लीजिए कि स्कूल में कभी कभी छुट्टी मिलती थी, या मान लीजिए कि दुर्गा पूजा या फिर मान लो समर वेकेशन, तो बहुत लोग क्या होते हैं ना, जैसे छुट्टी मिलती है तो खूब मौज मस्ती या फिर घूमना फिरना स्टार्ट करते हैं, क्या आप भी कुछ इस तरह से करते थे? क्या मस्ती को आप पढ़ाई में से कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बताइए हमें। ट्वेल्थ बोर्ड में तो नहीं किए, ट्वेल्थ बोर्ड में नहीं किए हैं, ट्वेल्थ बोर्ड हम ऐसा नहीं। तो ये छुट्टी के टाइम को कैसे मैनेज करते थे? जनरली होता है छुट्टी में बच्चे लोग का रिदम जो है ब्रेक हो जाता है, तो इससे बचने के लिए तो पहला बात कि हम कहीं बाहर घूमने वगैरह के लिए जाते ही नहीं थे,
और प्लस एक तो हुआ कि जो छुट्टी में आया तो पहले का जो भी पढ़ाया हुआ ना सिर्फ पीसीएम साइड का सब्जेक्ट भी छुट्टी के टाइम पढ़ने में क्या मतलब, तो छुट्टी के टाइम में जो भी स्कूल में पढ़ाई होता था मेन सब्जेक्ट के अलावा भी इंग्लिश पी ये सब, तो वो सब हम रिवाइज कर लिए। अगर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा तो कोई ऐसा मेरा टॉपिक जो हम पढ़ाई नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम पढ़ना चाहते थे क्योंकि हमको ज़्यादा समझ आएगा, अभी पढ़ लेंगे ज़्यादा समझ आएगा, इस मोटिव से कोई कोई टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ते थे, बस टाइम बर्बाद नहीं चाहिए। बहुत अच्छा जवाब। वेल एक आखिरी क्वेश्चन और मैं करना चाहता हूँ, क्या लास्ट में आपने कोई सैंपल पेपर से भी पढ़ाई किया था, क्या सैंपल पेपर को अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें आप। हाँ, क्योंकि जनरली जो है स्कूल ट्यूशन दोनों में दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर दिए जाते हैं, जनवरी में प्रैक्टिकल्स भी हो जाते हैं, उसके बाद एक डेढ़ महीना बचता प्रिपरेशन के लिए, तो एक डेढ़ महीना प्रिपरेशन में अब पूरा सिलेबस कवर तो नहीं किया, कोशिश किया जाता है कि सिलेबस जो पहले से हम कवर कर ले, सब कुछ याद कर ले, उससे उसके बाद क्या जो एक डेढ़ महीना बचता उसमें रिवाइज करते हैं और फिर जितना जल्दी रिवाइज कर ले, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगे हमको रिवाइज कर ले, उसके बाद जो टोटल सैंपल पेपर पर ही फोकस किए हैं हम, क्योंकि उससे से आइडिया मिलेगा क्वेश्चन आएगा कैसा और हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, कहाँ फंसेंगे, जैसे लास्ट में सैंपल पेपर पे ही सबसे ज़्यादा फोकस था। चलिए बहुत अच्छा जवाब। और इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं, ये सैंपल पेपर जब बनाते थे ना तो ऐसा नहीं कि रात का 2 बजे सुबह 6 बजे ऐसा नहीं, ये 10 बजे मान लीजिए बनाना स्टार्ट करते थे। क्यों 10:30 में स्टार्ट ही करते थे? क्योंकि सीबीएसई का जो टाइमिंग होती थी, जब एग्जाम लेने का टाइमिंग होता था ना, उसी टाइमिंग में स्टार्ट किया जाता था। और इससे फायदा क्या है, बच्चे तो गलती क्या करते हैं ना कि रात में 2 बजे बनाएंगे, 12 बजे बनाएंगे, 3-3 घंटा का अलार्म लगा लगा करके, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपको एग्जाम देना है 10:30 बजे के आसपास और आप प्रैक्टिस कर रहे हो रात 10 बजे, तो पता है कि माइंड और बॉडी में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, आपका बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इनकी एक अच्छी बात और भी थी कि जब भी ये प्रैक्टिस करते थे तो 10:30 बजे उसी टाइम अलार्म लगाते थे, 3 घंटा का अपना स्लॉट बनाते थे, कितना खा करके जाना है ये भी मैटर बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, क्योंकि पूरा माहौल अपने माइंड बॉडी को पूरी तरह से इन्होंने कंडीशनिंग किया हुआ था एकदम रेडी कि उसी टाइम करना है, कितना खाना है, क्या करना है, सब कुछ अपने आप को इन्वॉल्व, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ओवरऑल अभी हम लोगों ने इतनी बातें सीखा सिद्धार्थ से, एक फाइनल चीज कि आप जूनियर को क्या सलाह देना चाहते हैं इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2021 में, तो उसके लिए आपके लिए कुछ सलाह है जूनियर के लिए? हाँ, यही कि इस विषय में तो इतना छुट्टी मिल ही चुका है, बहुत ज्यादा छुट्टी मिल चुका है, कोविड-19 के कारण बहुत छुट्टी मिल चुकी है, सिलेबस भी थोड़ा कम किया गया है, ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है कि रिदम ब्रेक नहीं होने देना है कि अब स्कूल कब खुले कब नहीं, वो नहीं, रिदम छुट्टी का यही सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये रिदम ब्रेक कर देता है, पढ़ने वाले बच्चे तो इसमें मतलब दिन भर रात भर पढ़ते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट है वो रिदम उनका ब्रेक हो जाता है, तो सबसे बड़ा बात रिदम ब्रेक नहीं होने देना, बस ऐसा नहीं कि मतलब अब तो पता ही है कि सिलेबस में क्या कम हुआ है क्या पढ़ना, जो हमको जल्दी समझ आता है वो सब टॉपिक खुद से भी तो पढ़ सकते हैं क्योंकि अब तो एग्जाम होने वाला नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हम स्कूल के सिलेबस के हिसाब से ही चलें, तो इसलिए जो टॉपिक अच्छा लगे हमको हम खुद से भी वो पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आज इनसे हम लोग बहुत सारा कुछ सीखे हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आंखों में मंजिल थी, गिरे संभले मगर फिर भी चलते रहे, आंखों में मंजिल थी, गिरे संभले मगर फिर भी चलते रहे, हवाओं ने भी बहुत कोशिश की मगर फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। चलिए ठीक है, थैंक यू, नमस्कार सबको, बाय।